अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पराठा। ठीक है, पति देव को ना पूड़ी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, और वो जो पराठा भी खाते हैं ना, तो उसमें ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, उनका ये मानना है। या तो हमेशा रोटी ही पसंद करते हैं, या फिर पराठा भी अगर वो खाएंगे तो उसमें जो रिफाइंड या ऑयल जो भी लगता है वो बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। तो अभी मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ कि उठती हूँ, उठने के बाद फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट आती हूँ किचन में, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और सबसे पहले मैं किचन में आने के बाद ना इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि सबके लिए बनाऊँगी ना तो थोड़ी देर के बाद भी बना सकती हूँ, इनको भेजने के बाद भी बना सकती हूँ, क्योंकि सब लोग उस टाइम पर खाता नहीं है। जो लोग घर पर रहते हैं थोड़े देर के बाद ही सब लोग ब्रेकफास्ट करता है, तो लेट नहीं होता है ना, जल्दी जल्दी नहीं होता है, बट पति देव के लिए जल्दी जल्दी सुबह में हो जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इनके लिए बनाती हूँ, उसके बाद ही किसी के लिए बनाती हूँ। जब तक ये जाते नहीं तब तक मैं बैठ के फ़ोन चलाती रहती हूँ या कुछ भी करती रहूँगी। फिर ये जब घर से निकलेंगे उसके बाद फिर मैं आऊँगी किचन में, एंड उसके बाद सारा काम अपना फिनिश कर लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम होता है, और भाभी ना कुछ काम पहले से ही करके रख देती हैं। लाइक जैसे बिट्टू और मेरे देवर सुबह में स्कूल जल्दी जाते हैं, वो लोग, मेरे हस्बैंड 1 घंटा लेट जाते हैं स्कूल, क्योंकि रात में इनको लेट आना होता है, लेट सोना होता है, इसलिए लेट उठना होता है। तो बिट्टू को तो स्कूल जाना होता है टाइम से, अमन जी को भी, तो लोग जल्दी जाते हैं स्कूल, तो उन लोगों के लिए भाभी लंच बना के देती हैं, और जो भी वो लोग सुबह में खा के जाते हैं। तो फिर मैं उठती हूँ तो थोड़ा बहुत काम किया रहता है, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत और कर लेती हूँ, तो हमारा अच्छा खासा हो जाता है। एंड ये मैं आलू फ्राई इसलिए कर रही हूँ, भाभी आलू बॉयल करके रख दी थी और कढ़ी बना के रख दी थी, तो मैं आलू बॉयल इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर भिंडी का भुजिया, कुद्रुम का भुजिया कुछ भी बनेगा ना अब, तो फिर ये ना अमन जी या कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते नहीं हैं, तो उनके लिए ये आलू फ्राई हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप, मेरे पति देव अभी हीरो बनकर जा रहे हैं स्कूल। गुड मॉर्निंग, ये अभी स्कूल जा रहा है। अथु बेबी यहाँ पे सोया हुआ है, अरे जगा दिया रहा आप इसको, ठीक है। हाँ ठीक लगेंगी आप, चश्मा जानती हो क्या दिक्कत है? क्या टेढ़ा कुछ टेढ़ा दिख रहा है? यहाँ कुछ बनाया है फिनिशिंग ने, ये चीज जो है ना, हाँ ऊपर के साइड खा गया। अच्छा बाय बाय बाय। तो अथर्व के पापा चले गए हैं ऑफिस, मतलब स्कूल, और अथर्व अभी घोड़ा बेच के सो रहा है, और मैं अभी ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। मेरा चावल बन गया, और ये देखो ये बन गया है कढ़ी। तो आज है बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के दिन मतलब कुछ येल्लो ऐसा खाते हैं, तो कढ़ी अच्छा होता है कढ़ी। तो आज भाभी बना दी हैं कढ़ी, और मैं चावल भुजिया और आलू फ्राई सब कुछ बना दी हूँ। बाकी ये देखो, मैं कल रात में तेल लगा के चोटी बना ली थी अपने बालों का, और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग करने, क्योंकि आधा घंटा लगेगा, बस जल्दी जल्दी अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो गाइज अभी आप देख सकते हो बहुत सारे कपड़े मैं निकाली हूँ, और ये ना सिर्फ एक साइड के कपड़े हैं कबड़ के, और ये सारे कपड़े मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ, इन सब कपड़ों में से सब अलग अलग निकाल रही हूँ, कौन सा अथर्व का है, कौन सा मेरा है, कौन अथर्व के पापा का है। अथर्व का टी शर्ट शर्ट अलग कर रही हूँ, अपना ब्लाउज साड़ी सूट प्लाजो सब अलग अलग रख रही हूँ। एंड अभी ना 2-3 दिन से मैं हमेशा इधर से उधर घूम ही रही हूँ, बर्थडे में तो माइके दिस दैट, तो सारे कपड़े ना जैसे तैसे मैं रख दी थी, इसको फोल्ड नहीं की थी अच्छे से, तो इन सब में से कुछ धोना भी है एंड कुछ धोया हुआ भी है, तो बस सबको अलग अलग करके सेट कर लूँगी, फिर उसको जो इसको धोना होगा उसको निकालूँगी, धो डालूँगी, और सबको अपने अपने जगह पर पहुँचा दूँगी। तो ये मेरा एक काम हो गया। दूसरा, मैं आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बेडशीट कल ही चेंज की थी,
तो कम से कम 3 दिन तो मैं रखती हूँ एक बेडशीट। तो बस मैं इसको ऐसे ही झाड़ दी, ताकि अगर कुछ कुछ गिरा देता है ना तो उसको झाड़ दी और फिर अच्छे से लगा दी। ये ना इलास्टिक वाले बेडशीट मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि बच्चे कितने भी कूद लें ये मतलब खसकता नहीं है जल्दी, जैसे है बेड पर वैसे ही रहता है। तो ये वाला बेडशीट मुझे ज़्यादा पसंद आने लगा। मैं तो बोली भी कि अब मैं जब खरीदूँगी ना तो इलास्टिक वाला ही बेडशीट खरीदूँगी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इलास्टिक वाले 2 ही बेडशीट हैं। तो बस मेरा धीरे धीरे अभी रूम का क्लीनिंग चल रहा है, और मैं अपना रूम साफ़ कर लूँगी अच्छे से, झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी। ये मेरा सुबह का काम होता है भाई, खुद से करना होता है सारा काम। हमारे घर में कोई मेड नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 लेडीज़ हैं घर में, और घर भी बहुत बड़ा नहीं है और फैमिली भी बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है मेड की, सारा काम खुद से कर लेते हैं। और पता है ये सारे काम ना 1-2 बजे तक आराम से फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद समझ में नहीं आता है करूँ तो करूँ क्या। अगर मुझे वीडियो बनाना होगा तब तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है, अच्छा खासा मेरा निकल जाता है। लेकिन जिस दिन अगर मुझे वीडियोस नहीं बनाना होता है ना, उस दिन मैं सोए सोए बेड पर बोर हो जाती हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, समझ में नहीं आता है। लेकिन इसीलिए मैं अपने आप को ना सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम में रखूँ, ताकि मेरा मन लगा रहेगा, मेरा मन एकांत नहीं होगा और मुझे ना मतलब अकेला अलोन फील नहीं होगा। इस वजह से मैं ज़्यादा अपने आप को काम में रखती हूँ, चाहे वो किचन का काम हो या रूम का काम हो या वीडियोज़ का काम हो। मैं फ़ोन पर बहुत कम बात करती हूँ अपने माई के, मतलब मम्मी से हो गया तो हो गया, उसके बाद बहुत कम रेयर केस में ही बात करती हूँ, कभी कभी किसी किसी को कॉल कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं हो पाती है बात। तो अभी चलती हूँ छत पे, बर्तन वगैरह भी धुला गया है, और आई छत पे तो देखी कुछ कपड़े सूखे हुए थे, कुछ कपड़े गीले थे, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ नहीं निकल रही है ना, धूप भी थोड़ा निकल रहा है, हवा भी आज तेज़ थी, तो बारिश भी होने की वजह से कपड़े भी अच्छे से नहीं सूख पा रहे हैं। और आज तो थोड़ा बहुत धूप निकला भी था, तो भी आप देख सकते हो मैं आ गई हूँ आज छत पे, और जो जो कपड़े सूखे थे उन सब कपड़ों को लेके चलूँगी नीचे, जो नहीं सूखे थे उनको फिर से मैं डाल दूँगी छत पे, क्योंकि आज का जो मौसम है ऐसा लग रहा है कि हाँ आज बारिश नहीं होगी, हवा तो है तेज़ लेकिन धूप भी निकला हुआ है थोड़ा बहुत, तो बारिश नहीं होगी। मैं तो बहुत खुश हो गई, चलो अच्छा है कपड़े सूख गए, नहीं तो पता है क्या हो जाता है, कपड़े गीले रह जाते हैं फिर वो अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ धोई हूँ तो सूख जाए। तो अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ और अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ, बट मैं पूरे अच्छे से फ्री नहीं हूँ अभी। अभी मुझे थर्व को पाउडर लगाना है, ड्रेस पहनाना है, रेडी करना है, अभी वो दूध पी रहा है, मैं नहला कर उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसको कपड़े पहनाती हूँ। एंड अभी छत पर से बहुत सारे कपड़े लाई हूँ, सारे कपड़े अभी वैसे ही छोड़ दूंगी शाम तक, क्योंकि कपड़ों में 2-3 मतलब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कहीं कहीं चींटी आ जाती है, इस वजह से मैं उसको साइड में रख देती हूँ, फिर शाम में उसको फोल्ड करूंगी, उसके बाद अलमीरा में रखूंगी। तो कुछ हमारा इस तरीके से निकलता है पूरे दिन, और अभी 2 बज गए हैं, और अभी खाना पीना भी होगा थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। तो अभी बिट्टू खरीद के लाई है ये वाला बिस्किट, अदर टेस्टी, थैंक यू बोलो दीदी को, थैंक यू, वेलकम, पसीना पसीना हो गई। तभी हम लोग खाएंगे ये बिस्किट, तुम ये खा लो बेटा, मम्मा ये खा लेगी, ये दीदी खा लेगी, ठीक है। तो अभी रात के बज गए हैं 9, और मैं बना रही हूँ डिनर, तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, अभी आपको दिख रहा होगा। एंड तवा पर ना साइड में एक चिड़िया भी बनी है, तो सर बोला मम्मा आटे की चिड़िया बना दो, मैं खाऊंगा, तो मैं आटे की चिड़िया बना दी और मैं उसको सेक रही हूँ, हालांकि वो अच्छे से सेका भी नहीं पाएगा, कच्चा ही रह जाएगा, बट सर बोलता है मम्मा ये मुझे पसंद है, चिड़िया बना दो, कबूतर बना दो, मुझे खाना है। तो मैं आलू के पराठे के साथ साथ वो भी बना रही हूँ, उसके लिए साइड में डाल के रखी हूँ। हे गाइस, तो अभी रात के बज गए हैं 1, और अभी हमारा चल रहा है मूवी, और खाना पीना हो गया है सब कुछ, आजा आजा नंगू पंगू। तो अधर्व की अभी रात के 1 बजे पोटी हो रही है। तो दिन भर का पापा आ जाते हैं तो इसका रिमोट छीना जाता है और पापा का चैनल लग जाता है, पापा भी मूवी देख रहे हैं, हम लोग मूवी देख रहे हैं और थर भी देख रहे हैं, है ना। हाँ, तो गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ये ब्लॉग मैं ही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।